वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का। ये किचन है और आज मैं खुद मौजूद हूँ और कभी कभी आप मेरे हाथों का भी खाना खाएं और खाएं नहीं देखें कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही झटपट बिरयानी। इसे बोलते हैं कच्चे मसाले की बिरयानी। कच्चे मसाले की बिरयानी जो है तो बहुत क्विकली बन जाती है और बहुत टेस्टफुल होती है, और उसमें टेस्ट ऐसा आता है जैसे देख की तरह। मैं सच बता रही हूँ, बहुत टेस्टी होती है। लेकिन आपके घर में आप चाहें तो उसको आलू की, मैं थोड़ा सा जो इसमें मैं तो चिकन डाल रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे आलू की बिरयानी भी बना सकते हैं। और इसे कहते हैं कच्चे मसाले की बिरयानी। मेरे घर वाले बहुत पसंद करते हैं, मेरी सिस्टर खास तौर पे समीना बाजी बहुत पसंद करती है। वो कैसे बनाती हूँ, वो कनाडा से मुझे कॉल कर रही होती है, ऐसे बताना यार कैसे। बहुत इजीएस्ट है, बहुत इजीएस्ट। अच्छा, सबसे पहले मैं इसके इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर में मौजूद होते हैं ना रेगुलर, वो ही है। लेट्स सी, मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट चीज ये। देखे अब इसमें जो गर्म मसाले होते हैं, एज तेजपात, जीरा, मेरा जरा सा भुना हुआ जीरा मैं रखती हूँ अपने पास, और इसके अंदर बादियाने फूल, बड़ी इलायची, लौंग, जायफल, जो गरम मसाला आपके घर में, लौंग वगैरह सब चीज़ें, काली मिर्चें, तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे मसाले निकाले ना। अच्छा जी, अदरक लहसुन इसको कुचल दें, ठीक है, ग्राइंड कुछ भी नहीं, कुटी हुई मिर्चें, हसबे जायका और हल्दी, ये मसाले जो घर में अवेलेबल है। उसके बाद पुदीना, हरी मिर्च, ठीक है, चिकन, आलू, प्याज, टमाटर, दही, नमक, बहुत ईजीएस्ट। अच्छा, अब मसाले में जैसे मैं अभी इस वक्त मारूँ मसाले की बिरयानी, बम्बई बिरयानी डालो, आप घर में कोई भी आपके अगर जो पसंद हो, जो भी मसाले, आप उसको एक वो होता है फ्लेवर के तौर पे, और कुछ नहीं, बाकी ये बहुत होते हैं, लेकिन अगर आपको फ्लेवर के तौर पे चाहिए तो आप डालते हैं। अब देखें देखें मैं आपके सामने। अच्छा, मैंने इसमें कम से कम आधा किलो के करीब राइस लिए, इसी तरह मैंने आधा किलो ही चिकन लिए, तो आधा किलो से थोड़ा कम, जैसे कहते हैं पता नहीं मुझे वो पाव शाव समझ में नहीं आता, मैंने एक पाव से ऊपर और आधा किलो से थोड़ा नीचे। अच्छा जी, मैंने राइस जो है वो भिगो दिए हैं, पानी मैंने बॉयल करने रख लिया है। अब ये थोड़ा, ये देखिएगा क्विकली कैसे होगा, इधर मैंने पानी रख दिया, ये पानी में बस 10 मिनट हुए इसको भिगोए हुए। अब आपने ये चिकन ले ली, ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि सभी जो है वो करती कैसे। और थैंक्स फॉर ग्लैम गैस स्पेशली, बिकॉज के उनके स्टोव बड़े ज़बरदस्त थे और हम उन्हीं के स्टोव यूज़ कर रहे हैं, और थैंक्स फॉर स्पॉन्सर्ड बाय दिस किचन, स्पॉन्सर्ड बाय ग्लैम गैस। ये जी देख ले, मैं आपके सामने सामने बिल्कुल हाथों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे सभी, ये इसका टेस्ट देखिएगा। और ये अक्सर जो ये आप लोग जाते हैं ना बाजार में खाना खाने, और वो जो क्विकली आप खाते हैं, इस तरह के ही खाने होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखिएगा मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, और मेरे हाथों से बड़ी छुरी है, पता नहीं राशिद लेकर आए हैं कि नहीं, छोटी मैंने कहा था, असल में वो हमारे होते ना कि सभी यूज करते हैं चीजें तो इधर से उधर हो जाती, और घरों में भी ऐसा ही होता है। अच्छा जी, ये देखिए मैंने बिल्कुल आपके सामने, अच्छा अभी नमक ऐड नहीं किया, वो मेरे पास अभी है, वो मैं आपको दो दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सामने मैं ऐड करूंगी। हर चीज़ जो है वो ये आपके सामने सामने होगा, ये सभी कर क्या रही है, लेकिन आप यकीन करें और आप मुझे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा कि जो ये कच्चे मसाले की बिरयानी जो है वो कुछ भी चीज़ इसकी वो नहीं है, सिंपल। ये देखिए मैंने बड़ा बड़ा टमाटर काटा, अच्छा इसमें थोड़े से पुदीने के, थोड़े से आप उसमें रख दीजिएगा दम के ऊपर, और इसी तरह थोड़ी सी हरी मिर्चें भी एज यूजुअल। अच्छा जी नाज़रीन, आप गुड मॉर्निंग विद सभी में, अगर आप लोग कोई भी पर्सन जो टैलेंटेड है आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, नंबर है 03158248704। अच्छा मैं घर में भी बहुत इसी तरह काम करती हूँ झटपट। अच्छा इसमें आलू भी ऐड कर लीजिए, और मैंने धोए हुए थे इसलिए इसको मैंने डायरेक्ट ही काट रही हूँ। अच्छा यू नो अबाउट कि चिकन जल्दी गल जाती है, तो मैंने आलू के बड़े बड़े पीस नहीं डाले, और अगर आप लोगों के बड़ा एक शौक है कि आलूओं को ज़रा सा बड़े साइज में, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप उनको अलग से बॉयल कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिर ये गलेंगे नहीं ना, रह जाएंगे, ठीक है, इसको ज़रा देख के, ओके गुड। अच्छा आप उनको बॉइल करके थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, लाइक बहुत ज़्यादा नरम ना कीजिए,
उन्हें बॉईल करके जर्दे के रंग से उनको कलर करके, देखिए मेरा पानी भी बॉईल हो गया इतनी देर। अब ये देखें, ये उसे झटपट बिरयानी, झटपट बिरयानी तो नहीं, मैंने इसको कच्चे मसाले की बिरयानी, ये देखिए जी पानी बिल्कुल बॉईल हो गया। अच्छा एक और बात बताऊं, जब आप इसके अंदर राइस ऐड करेंगे तो तीन तरीके होते हैं, सिरका, लेमू या ऑयल। आप इसमें ओ माय गॉड बहुत टाइट, अच्छा ओके, थोड़ा सा ऐड करने से क्योंकि चावल जो है चिपकेंगे नहीं, ठीक है थोड़ा सा, बस 1 टीस्पून। ये एक टिप है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अच्छा जी इसके अंदर हमने, और एज यूजुअल में आदत है पिंक सॉल्ट, और इसमें हमने नमक भी ऐड कर लिया, ठीक है राइस, ठीक है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब आप देखें मैं कर क्या रही हूँ, ये हमने इसको थोड़ा सा मिक्स किया और हमने इसके अंदर ये राइस ऐड कर लिए, ठीक है। अच्छा इसमें ये टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, देखिए इतनी देर में ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बाकी चीजें जो है इसको आपने जस्ट फोर क्या एक कनी या दो कनी छोड़ने हैं आपने, इसको बिल्कुल मलोरा नहीं करना। और देखिएगा मेरे राइस कितने खिले खिले और अलग अलग से नजर आएंगे और ये बनेंगे बहुत जल्दी। बस ये होता है कि घर में जरा सा चीज़ें, और चिकन भी आप लोग डीप फ्रीज कर लेते हैं, और मेरी एक आदत है मैं जो ऑफ कोर्स ये तो अभी परचेज की है लेकिन मैं अपने घर में जितनी चीज़ें हैं वो ला के धो के चिकन के थोड़े थोड़े पैकेट्स बना के आधा किलो के एक पाव के ऐसे बना के हम लोग रख लेते हैं, तो कभी भी हमें ज़रूरत होती है। और वीक में ऑफ कोर्स वन टाइम हम बाज़ार जाते हैं सैटरडे संडे में, या वैसे भी आपके पास जो सब्जी वाले और ये सब चीज़ें होती हैं ऑफ कोर्स तो आपको जाना पड़ता है। अच्छा कभी भी ज़्यादा स्पून ना मारे राइस में, ठीक है। अच्छा जी हम कहाँ तक पहुँचे मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ, सॉरी ये आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास आलू हमने डाल दिए इसमें, देखिएगा ये जितनी देर सभी के राइस जो है वो होते हैं इतनी देर में मैं आपको। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, मैंने उस दिन एक हरी चटनी की रेसिपी बताई थी और वो आप जो है घर में बना सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि हर वक्त हरा पुदीना अवेलेबल नहीं होता, और आपने रायता बनाना है। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं ज़ीरे को भून के उसको क्रंच करके एक बॉटल में डाल के रख लेती हूँ, और जब भी रायता बनाना होता है अगर सिर्फ ज़ीरे का तो लाइक हम क्या करते हैं उसको उसका क्रंच उस पर डाल देते हैं। देखिए मैं प्याज भी डाल रही हूँ, कुछ चीज़ भी आपको वो नहीं करनी है, बस आप देखिएगा मैं इसको बनाऊंगी कितनी क्विकली से। अच्छा मैं क्या बता रही थी आपको, रायते का बहुत आसान रेसिपी। अच्छा वो मेरे घर की माएँ ख़ास तौर पे मैं उनसे बात करूंगी, वो ये कि आप लोग ना बेटियों को ख़ास तौर पे कि अपनी अम्मियों का बहुत ख्याल रखें। अच्छा ये जो चटनी मैं बनाना बता रही हूँ उसमें ये होगा कि एक तो दही का कैल्शियम और ऊपर से उसके अंदर डलेगा क्या क्या वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें डलेगा करी पत्ता, आप क्या करें ले लें पुदीना ले लें और धनिया ले लें, ठीक है। अब अपने ले लिया, इनको अच्छी तरह धोएं, मिट्टी वगैरह निकालें क्योंकि जो पत्तों वाली चीज़ें होती है सब जो है ना रेत आ जाती है, ठीक है। धोने के बाद इसको खुले पानी में धोने के बाद इसको छान लें, पानी निकल जाए, फिर ट्रे में इसको फैला के रख दें और कमरे की हवा जो रूम टेम्परेचर होता है लाइक हमारे पास पंखे की हवा से धूप ना लगे ताकि उसकी जो पत्तों की हरापन है ना वो खत्म नहीं हो, ठीक है। तो आप उसके अंदर क्या करें, देखिए मेरी ना जीनियस जबान भी चल रही है, हाथ भी चल रहे हैं और दिमाग भी, और मैं आपसे बात भी कर रही हूँ यार, प्लीज एक लाइव कॉल ले लेना शहजाद भाई। अच्छा जी हमारे पास जैसे मैंने कहा इन तीनों चीजों को आप 3 दिन में यकीन करें वो बिल्कुल सूख जाएंगे, और आप हाथ लगाएंगे तो क्रंच क्रंच करेंगे हाथों से उनको, यूं 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 करके मसले वो बिल्कुल पाउडर से बन जाएंगे, मतलब पिस जाएंगे। अच्छा जब पिस गए तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसको छान लेना, वो उससे जो आटे की छन्नी नहीं होती उससे छान लें। और ये देखिए मैं सब कुछ आपके सामने लाइव ही दिखा रही हूँ,
आप ये ना कहें सभी ने कोई भी ऐसा, देखेंगे ये कच्चे मसाले की बिरयानी कोई भी चीज में पकी हुई नहीं है, ठीक है। अब पकेगी सब इकट्ठी, ठीक है। नमक मैंने ऐड नहीं किया, नमक इसकी ज्यादा क्वांटिटी डाल दें, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने मसाला ये भी ऐड कर लिया, ये फ्लेवर के तौर पे, ताकि आप लोगों को जरा सा अच्छा महसूस हो। इसमें आलू बुखारा वगैरह भी है, आप चाहें तो ये हो गया, ठीक है। और थोड़ा हम लोग ये दही, क्योंकि योगर्ट इसमें इस्तेमाल करेंगे तो हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। ये भी आखिर में बताऊंगी इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। ये मारुक मसाले काफी मजेदार है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने वो मैं बताऊंगी। अच्छा, ये सारा मैंने कचरा भी कर लिया। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा राइस देख लूँ, ये ना हो कि मैं इधर ध्यान दूँ। देखें अभी ये चावल है, आप नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। मैं चेक करूँ, हाँ बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास। अब मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका, इसको हम जरा सा ग्लेम गेस के। अच्छा जी, मैं इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, मिक्स कर देते हैं। एक सेकेंड, पानी को निकालते हैं किसी बाउल में। अच्छा जी, इसको नाजिन आप इसको देखें, ये जो मैंने बनाया इसको जरा सा कैप्चर कीजिएगा ना प्लीज। अच्छा जी, हमने इसको राइस को अब निकालना है, और ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आप इसको इसमें निकाल ले, ठीक है। आपने बिल्कुल बहुत आसान, कोई जरूरत नहीं थी टेंशन लेने की। मेरे पास जाहिर बात है लाइव शो है अभी, इसमें मेरे पास यहाँ पर छन्ना जो है मैंने वो नहीं किया हुआ, और इसको मैंने आपके सामने सामने निकाल दिया है। और इसे बोलते हैं, अच्छा आप चाहें इसके अंदर, मैं आपको बताऊं कि आप इसमें चाहें, जब कुछ लोग उबालते हुए मैं जैसे पुदीने के पत्ते डाल देती हूँ कभी कभी, और तेज पात डाल देते हैं हम लोग, जीरा का जरा सा होता है, लेकिन जीरा तो नहीं, सॉरी, वो गरम मसाला जैसे कुछ लोग उबालते हुए डाल देते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अच्छा जी नाज़िम, मुझे अभी इस पानी को जो है वो इसी मैं आपको बताना चाहती थी, इसी में बर्तन को इस्तेमाल करूंगी। तो यहाँ पर छोटी सी, जाना नहीं ज़्यादा दूर, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये गर्म पानी जरा बाहर, यहाँ पर हीटनेस हो रही है अजीब सी, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड कच्चे मसाले की बिरयानी।